फ्रेंड्स, मैं हूं मीनू। मेरे चैनल एमके में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बनने वाले ब्रेड पकौड़ा। और ब्रेड पकौड़ा बनाने में हमें किन सामानों की ज़रूरत होगी, चलिए हम आपको बताते हैं। और ये दो तरह से बनाई जाती है, एक स्टफ ब्रेड पकौड़ा और सिंपल तरीके से। तो आज मैं सिंपल तरीके से आपको बनाने के लिए जा रही हूँ। चलिए, ये मैंने 5 से 6 ब्रेड लिया है। ये 2 कप बेसन है, ये 1 बड़ी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये आप 2 से 3 हरी मिर्च है मैंने बारीक काट लिया है, और ये स्वाद अनुसार नमक है, 1 मीडियम साइज़ का आकार का आपको प्याज है इसको भी मैंने काट लिया है, और ये आपको रिफाइंड ऑयल है, और ये 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, 1 छोटी चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर है, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर है, और 1 टीस्पून आपको ये अजवाइन और कलौंजी है। चलिए, पहले इसका हम ब्रेड को कट कर लेते हैं। तो इसको हम 2 टुकड़ों में काटेंगे, तो इस तरह से आप इसको काटना है, फिर सबको हम इसी तरह से काट लेंगे। ये देखिए, इसको हम कट कर लिए हैं और इस तरह से आपको काटना है। तो ये हम सबको काट लिए हैं, अब इसको हम क्या करेंगे, इसका हम बैटर तैयार करेंगे। तो एक सर्विंग हम बॉल लेते हैं और इसमें हम बेसन डालेंगे। ये मैंने 2 कप बेसन लिया है, और ये सब जो ये अदरक, ये आपको ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सब सारे को मिला देंगे हम। और ये जो अजवाइन और कलौंजी है, इसको हाथ में लेके इसको हाथ से ऐसे क्रश करके इसमें डाल दें, जिससे इसका फ्लेवर इसमें आ जाए। अब इसमें हम नमक मिलाएंगे, अब इसका हम आपको बैटर तैयार करेंगे। तो पानी की सहायता से इसमें पहले थोड़ा सा पानी डालें और विस्कर की सहायता से इसको बैटर तैयार करें। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इसका बैटर तैयार करें, और ना ज़्यादा पतला हो और ना ज़्यादा गाढ़ा हो। देखिए, मेरा बैटर बन के तैयार हो गया, और आपको रखना कैसा है ये देखिए, ऐसा आपको रखना है। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, ये आपको हरी मिर्च, प्याज, सबको अच्छे से इसको हम मिला लेंगे। ये बाद में ही आप प्याज डालें, प्याज, ये अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च, जिसे मिलाने में आपको आसानी हो। चलिए, अब हम बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, हम गैस पे कढ़ाई रखते हैं, उसमें हम आपको ऑयल डाल के गर्म होने के लिए छोड़ दिए थे। तो आप पता कैसे चले कि मेरा तेल गर्म हो चुका है, तो आप एक ड्रॉप्स इसमें गिराएं तो आपको ये ऊपर आ जाए, तो समझ जाएं कि मेरा तेल गर्म हो चुका है। अब गैस को मीडियम फ्लेम पे आप कर दें, और एक ब्रेड लें, इसको अच्छे से कोट करके ऊपर नीचे, तो इस भाग का आपको नीचे रखना है और ये वाला जो भाग है आपको ऊपर रखना है। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसको डाल देते हैं। फिर दूसरा ब्रेड ऐसे ही लें और इसको भी अच्छे से कोट कर लें, और इसको फिर ये नीचे दें और ये ऊपर, इसको भी ऐसे ही दें, और ये अब इसको अच्छे तरह से दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन इसको हमको होने देना है। इस तक मेरा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अभी सारे को हम टर्न कर दे रहे हैं। अब इस तरफ भी हमको गोल्डन ब्राउन इसको होने देना है। ये देखिए, मेरी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, सारे ये भी हो चुके हैं और ये भी। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल दे रहे हैं। और इसी तरीके से हम सारे ब्रेड को फ्राई कर लेंगे।
ये देखिए मेरा सिंपल और इजी तरीके से ब्रेड पकौड़ा बनके तैयार हो गया है। इसको हम सर्व कर रहे हैं टोमेटो केचप के साथ। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।